आम लोग हैं उनको आने जाने की अनुमति नहीं है और पूरे तरीके से जो थोड़ा एजेंसियां हैं वो लगातार यहां पर बनी हुई हैं। सिर्फ कुछ लोगों को ही इसमें जो है अंदर नॉमिनेशन के दौरान अंदर जाने दिया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ जो है आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जो है वो जाएंगे। इसके अलावा ग्रेट खली जो है वो खासतौर पे पहुंचे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नॉमिनेशन फाइल के लिए। और यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि गाड़ियों का काफिला जो है यहाँ से आगे देखिए दूर दराज को आए हैं डोडा किश्तवाड़ कालीबाड़ी बोली में बड़े ज्यादा लोग खड़े अरे बड़े 97 करोड़ लोग वोट पा रहे मोदी जी देश उन्होंने आशीर्वाद दे रहे हैं जिथे जिथे भी वो जा रहे हैं करता है देश दुनिया के विच अगे बदे करता है 12 करोड़ किसानों के अकाउंट के विच लोग वोट पा रहे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 साल को और साफ मैं कह सकता कि दीवार से लिख दिया है कि तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने पूरा देश पूरा समाज उन्होंने आशीर्वाद दे रहे हैं जितने जितने भी जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने लोग कहते हैं कि लीडर बदलते सिस्टम नहीं बदलता उन्होंने आके अंदर ही इस देश के बीच जनधन के अकाउंट खोले करोड़ किसानों के अकाउंट के बीच एक बटन दबाने के नाल 2000 रुपया चले आज पूरे जम्मू कश्मीर नू आयुष्मान कार्ड मिले 5 लाख तक उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया 143 लाख करोड़ की देश के विच ऑनलाइन पार्लियामेंट ने दस्या दुनिया के विच सब तो ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 46% इस देश के विच सिस्टम बदलिया पूरे दुनिया के विच आज जेड़ा सी मोबाइल के थ्रू असि ऑनलाइन रेडी वाला अज इकानमी के विच अंग्रेज साढ़े कोल पिछे अज दे विच इकानमी के विच अज पहले ना बंदे उपर आने वाले टाइम के विच देश खड़ा होएगा उसे दिशा के विच प्रधानमंत्री काम करे करते है अलगाबाद है ओदी जीरो टॉलरेंस भाई कश्मीर शांत है भाई कश्मीर जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की तरफ आज दूसरी स्टेट जिथे नेक्स्ट लाइट थी आज शांति की तरफ और डेवलपमेंट की तरफ आगे जाया करते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या टेररिज्म में जीरो टॉलरेंस भाई देश के विच जिहड़ा पंक्ति के विच आखिर के विच बंदा खड़ा है जिहड़ा परिवार खड़ा है 4 करोड़ तो ज्यादा उन्हें मकान दिते बिजली का कनेक्शन दिता 12 करोड़ सिलेंडर दिते आज लोग दुनिया की पूरी इंडस्ट्री देश में आए दुनिया का 90% आईफोन जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग होना है ये कुर्बानी थी लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान कभी भी जम्मू कश्मीर भूल नहीं पाया कभी कठुआ के लोग भूल नहीं पाए उनकी 2 बार से लगातार डॉक्टर साहब जो है न सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेंबर पार्लियामेंट है बल्कि आप लोगों की भावनाओं जो सबसे अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनमें से एक वो आपका साथ क्या देगा
कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी डोगरा स्वाभिमान पार्टी और फिर कांग्रेस में। पिछली बार का इलेक्शन में लड़के तो देख लिया कि कितनी ताकत थी, बुरी तरह से हारे और वही हाल कांग्रेस का भी था। आप क्या दो चूहे मिलके एक शेर का मुकाबला करेंगे? डॉक्टर साहब, जितनी बढ़त आपको पिछली बार मिली थी, हम आपकी उस बढ़त को कहीं आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब अपने साथ है कि पिछली बार जितना वोट लिया उसे ज्यादा कितना वोट लेना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि दोनों स्पीकर और आदरणीय अध्यक्ष जी ने बोला है, मैं लास्ट में आपसे एक नारा लगाऊंगा सभी दोनों। भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल रात को बताया था कि भी आपने यहाँ पर आना है तो मैं अपने आप को बहुत एक भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को आपसे लोगों से मिलने का मौका मिला है। और जो ये देश के लिए जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो काम करा है, हम लोग, आप लोग, सभी लोग बहुत ही एक भाग्यशाली है जो जिनको ऐसे अच्छा एक नेता मिला है हमारे को, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम करा है और जमीन से जुड़े रहते हैं, गरीब की और पिछड़े लोगों की सपोर्ट करते हैं। और जो खास करके इन्होंने जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो एक जो मेडिकल के लिए काम करा है, मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए यहाँ पर पूरे भारत पे, पूरे देश पे उसकी चर्चा है। सो आज यहाँ पर बहुत सारे लोग, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलने का मौका मिला है। और मैं चाहूंगा कि हम लोग, आप लोग, सब लोग, क्योंकि मतलब एक बीजेपी का नारा एक ही है कि भाई इस बार जो 400 पार सीटें लानी है, और जो मैं लोगों का यहाँ का जो प्यार देख रहा हूँ, अभी तो इलेक्शन अभी शुरू ही नहीं हुए, इतना एक आप लोगों ने जो प्यार दिखाया, इतना एक भीड़ उभरी है जो मेरे को लगता है कि कहीं मतलब 500 पार नहीं हो जाए इस हिसाब से। तो हमारी जो भारत की, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एक नीति है, वो उनका एक ही नारा है कि भी गरीब और नारी, किसान, उनके लिए काम करिए और सब लोगों की ड्यूटी लगाइए। आज की डेट पे अगर कोई भी मंत्री बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, किसी के लिए कोई टाइम नहीं है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है जो दिन रात देश के लिए काम करते हैं, और हम सब लोगों को प्राउड होना चाहिए जो एक हमारा भारत एक थर्ड कंट्री पे काउंट होता था, बोलते थे भारत है, हिंदुस्तान है, बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। लेकिन अब वो चेंज हो चुका है, अब वो भारत चेंज हो चुका है। अगर सलाह भी लेनी हो कोई इंटरनेशनल पे, तो भारत के जो बाहर के जो लोग हैं, बाहर के जो राष्ट्रपति है, वो भी सलाह हमारे प्रधानमंत्री जी से लेते हैं। और अगर बोलिए कि जैसे पहचानते थे, अब सब लोग हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है उनके पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि भाई जो आपने 10 साल में किया है हिंदुस्तान में, वो जो हम देख रहे हैं 70 साल में नहीं कर पाए थे ये लोग। कोई भी, चाहे मतलब भारत है, चाहे बाहर है, कोई भी है, तो जितना हमारा देश एक स्पीड से एक तरक्की कर रहा है, उसके लिए सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भाई इस बार हमने सभी का ये फर्ज बनता है 400 पार करनी है। मैं भी पंजाब से इसीलिए आया हूँ कि जो एक जो माननीय हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिनका काम करने का तरीका, उनकी जो एक एनर्जी,
कि भाई उसके लिए मैं भी लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि सब लोगों ने जो 18 साल के इस बार हुए हैं उनको भी आप लोगों ने एक मोटिवेट करना है कि भाई किसने देश के लिए अच्छा काम करा है। और जो बुजुर्ग है जिनको पता नहीं लगता उनको भी मोटिवेट करना है कि भाई जो अपना एक वोट है सही जगह डालना है वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। आप लोगों ने 70 साल से आपने देखा है वोट डाल डाल के अपना जो अपना ये जम्मू कश्मीर है और पीछे को चला गया था। आज की डेट पे जम्मू कश्मीर का जो आम जनता है और उनको जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्कूल कॉलेज खुलाए मेडिकल खुलाए जिसकी जरूरत है। पहले तो एक उनको एक सैंपल भाषा उनको बता था कि भाई आप बस आप मस्जिद के लिए काम करो और आप बंदूक पकड़ो और पत्थर पकड़ो। आज की डेट पे अगर देखिए जितने भी बच्चे हैं सब लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर है और स्कूल जाते हैं कॉलेज जा रहे हैं और अपना मतलब एक जो जीवन है अच्छा एक व्यर्थ कर रहे हैं। पहले क्या होता था सुबह जाता था बच्चा ये नहीं पता लगता था शाम को वापस आएगा या पुलिस के कस्टडी में होएगा। सो आज की डेट पे देखिए लाखों लोग जो यहाँ पर टूरिस्ट मंच पर आए और सबके सामने अपनी बात रखी डॉक्टर जितेंद्र सिंह तालियों के साथ। जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी श्री नरेंद्र भाई मोदी अपना नामांकन भरिया इस वड्डी रैली दे विच इत्थे साढ़े प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिहड़े केंद्रीय मंत्री भी है श्रीमान अशोक कौल जी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी जिहड़े साढ़े केंद्रीय सैक्रेटरी ने बीजेपी के मंत्री ने वो पसा करदे ने और 12,000 करोड़ की परियोजना की तकनीकी स्वीकृति कराई उसका इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस कराया उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है इसकी स्वीकृति कराई पर्यावरण की स्वीकृति लेने के लिए काम शुरू कर दिया ट्राइबल मिनिस्ट्री से जो है स्वीकृति लेने के लिए भी काम शुरू कर दिया है। और मैं आज आपको भरोसे के साथ में कह सकता हूँ ये मोदी है तो मुमकिन है वाली सरकार है। आप डॉक्टर साहब को विजयी बनाओ आपके सपने निश्चित रूप से साकार हो जाएंगे। मित्रों मोदी का संकल्प है पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। मेरे देश के किसानों का एक बूंद भी पानी आने वाले समय में हम पड़ोसी के घर में नहीं जाने देंगे वो मेरे देश के किसान को मिलेगा ये हमारा प्रण है ये हमारा संकल्प। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं ये डॉक्टर साहब है ना वैसे तो मेरे बड़े भाई लेकिन ये मुझे उसके लिए उज के लिए बहुत परेशान करते रोज मुझे फोन करते हर सप्ताह में मुझे फोन करते मेरे ऑफिस के लोगों को फोन करते कि मेरे उज पर ये काम होना चाहिए। और मैं आज आपको भरोसा दिलाता हूं कि उज पर बांध बनेगा बनेगा बनेगा। मित्रों हम देश बदलने के लिए निकले हुए लोग देश की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए निकले हुए लोग हम देश को विकसित बनाने का संकल्प लेकर के लिए निकले हुए लोग। अब आदरणीय निर्मल सिंह जी कह रहे थे चुनाव साधारण चुनाव नहीं मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं चुनाव साधारण चुनाव नहीं ये चुनाव केवल एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं ये चुनाव कोई सरकार मात्र बनाने का चुनाव नहीं ये चुनाव है इस देश के भविष्य का फैसला करने का। क्योंकि जिस तरह से सनातन की संस्कृति का सम्मान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप सबके आशीर्वाद से जो विषय 450 साल से अधूरा पड़ा था और जिसके लिए भारत की भूमि के एक एक घर एक एक परिवार से लाखों लाखों कुर्बानियां दी गई थी वो भगवान राम जी का मंदिर तो हमने बना दिया बन गया आप सबको उसका पुण्य तो प्राप्त हो गया। 450 साल से संघर्ष चल रहा था नया वो गमंडी अलायंस बना उस अलायंस के पार्टनर कहते हैं कि सनातन को जल्दी समाप्त करना चाहिए ये कोरोना और डेंगू के जैसा है। मैं जम्मू कश्मीर की धरती पर इन फौलादी वीरों की धरती पर के सामने खड़ा होकर के कहता हूं आपके बुजुर्गों ने 2000 साल तक संघर्ष करके इस भारत की रक्षा की भारत की रक्षा की अग्रिम पंक्ति की तरह आप हमेशा खड़े रहे
यहाँ कोई सनातन को समाप्त करने की कल्पना करे उसको क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? ऐसी सोच को क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? ऐसी सोच को आप भारत की भूमि पर पनपने दे सकते हैं? जो भारत के विरुद्ध में बात करता है, भारत की गंगा जमनी सभ्यता और संस्कृति, और ये तो जम्मू की धरती तो ऐसी धरती है जहाँ बौद्ध धर्म का, ऋषि परंपरा का और जो है सूफी परंपरा, तीनों का समागम है। इस धरती पर खड़े होकर के मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस बात को बर्दाश्त कर सकते हो कि कोई सनातन को तोड़ने की बात करे, कोई सनातन को कमजोर करने की बात करे? जो बात करने वाले लोग हैं वो चुनाव में आए तो उनसे कहिएगा, जो सनातन का विरोधी है उसको हम वोट नहीं देते, उसको वोट देना जो है हमारे लिए उचित नहीं है। मित्रों, मैं आज आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूं, ये चुनाव देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव ये मोदी जी ने करके दिखाया। मैं जब देखा नहीं था, लेकिन वो कश्मीर के लिए जो संकट था, जो कश्मीर के माथे पर जो काला टीका था, वो काला टीका जिसके लिए ये धमकियां दे रहे थे कि अगर उसको छेड़छाड़ की 370 के साथ में तो देश में आतंकवाद की लपटें उठेंगे, घाटी खून से लाल हो जाएगी, घाटी का दरवाजा हम मुजफ्फराबाद की तरफ खोल देंगे, घाटी में जो है कि तपिश पूरे देश को जला देगी। एक गोली चलानी पड़ी थी क्या भैया? एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी। ये दृढ़ टाला इरादों, अटल इरादों वाली सरकार और भारत का प्रधानमंत्री आप सबके ताकत से खड़ा हुआ, आज वो विषय हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस तरह के बड़े और कड़े फैसले लेकर के इस देश की तकदीर और तस्वीर बनाने के लिए ये चुनाव होने वाले। ये जो आप सब काम देख रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, इस जम्मू में तीन तीन, इस उधमपुर डोडा और इस लोकसभा में तीन तीन सरकारी भारत सरकार के मेडिकल कॉलेज बन गए, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े नदी पे पुल बन रहे हैं, देश का सबसे ऊंचा पुल, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है। ये जो काम हो रहा है ये तो अभी केवल झांकी मात्र है। पुराने टाइम में होता था ना, फिल्म आती थी उससे पहले पोस्टर आता था, उसके बाद ट्रेलर आता था, उसके बाद में फिल्म आती थी थिएटर। ये तो अभी पोस्टर छपा है भैया, ट्रेलर भी नहीं आया। ट्रेलर देखोगे अगले 5 साल में और उसके बाद में 20 साल बाद में ये फिल्म आएगी, जब आप और मैं इस बात पर गर्व कर सकेंगे कि 2014 में, 19 में और 24 में हमने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जिता करके यहाँ से भेजा था, तब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और इस देश को हमने अपने 3 वोट की ताकत से बदल करके दिखाया है। ये आप गर्व कर सकेंगे, ये गर्व करने का अवसर है मित्रों, ये देश बदलने का सौभाग्यपूर्ण अवसर। उन्होंने बलिदान किया था, हमको मात्र योगदान करना है और हम इस योगदान करने के लिए अगर सब लोग तैयार हैं तो उठाएं अपनी ताने बुझाएं, संकल्प की मुट्ठी बांधें कि जय श्री राम के नारे के साथ में भारतीय जनता पार्टी को विजयी करेंगे। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारी संख्या में ये जनसमूह उमड़ा है आज कठुआ में, मुझे नहीं लगता कि पिछले इतिहास में इतनी बड़ी जनसभा हुई है। ये प्रतीक है उस श्रद्धा का जो इस उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के मन में है मोदी जी के प्रति, ये प्रतीक है उस विश्वास का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और ये स्वीकृति है उस अद्भुत कार्यों की जो पिछले 10 सालों में मोदी जी के आशीर्वाद से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अंजाम दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप इसे आज भारत की सर्वाधिक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसीज में माना जाता है। ना केवल दर्जनों की संख्या में नई योजनाएं लाई गई, नई परियोजनाएं लाई गई, राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट लाए गए, बल्कि बहुत से ऐसे भी कार्य हुए जो पिछली सरकारों ने रोक दिए थे या पिछली सरकारों की तुष्टीकरण, भेदभाव और क्षेत्रीय भेदभाव की राजनीति या वोट की राजनीति के कारण जो कोताहियाँ रह गई थी। उदाहरण के तौर पर यहाँ से डोगरा सर्टिफिकेट समाप्त कर दिया गया, वो कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ पर 4% आरक्षण नहीं दिया गया, LOC पे दिया गया, मोदी जी ने उसको बहाल किया। यहाँ पर पहली बार इन 10 वर्षों में डोगरा राज्य के संस्थापक डॉक्टर महाराजा गुलाब सिंह की एक भव्य मूर्ति की स्थापना प्रवेश द्वार लखनपुर में हुई। तो ना केवल विकास हुआ बल्कि यहाँ के लोगों का मान सम्मान और डुग्गर को
उसका उचित एहतराम और स्थान देने का भी कार्य हुआ। सर, इस बार नारा है 4 लाख पार, आप कह रहे 4 लाख पार। जिस प्रकार का आपने देखा है, मैं चाहूंगा मीडिया के मित्र स्वयं इस बात से आकलन लगाएं, सर्वे करें। आज तर्क तथ्य तुलना का जमाना है। जो मैं कह दिया उसका कोई अर्थ नहीं, जो मेरा विरोधी कहेगा कोई अर्थ नहीं। 70% से अधिक हमारा वोटर 40 साल से कम उम्र का है, निर्णायक वोटर हमारा 18 वर्ष का है और उन्होंने मन बना लिया, जनमानस ने मन बना लिया कि हमने मोदी जी को 400 पार कर दिया।